हेलो दोस्तों, करीम टेक्निकल माइंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, एक देखिए ये छोटा वाला कैपेसिटर है और एक ये बड़ा वाला कैपेसिटर है। मतलब एक इसमें मेरे पास रनिंग कैपेसिटर है और एक है स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कि ये जो रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है और इसको क्यों लगाया जाता है मशीन में, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये इसका काम क्या होता है, रनिंग का काम क्या होता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसके बारे में। ये देखिए हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर दोस्तों, और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर काम होता है कि मोटर को स्टार्ट करना या कंप्रेसर को स्टार्ट करना। स्टार्टिंग कैपेसिटर काम सिर्फ होता है स्टार्ट करना, और जैसे ही मोटर या कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और उसके तुरंत बाद ये काम करना बंद कर देता है अपना। वो स्टार्ट हो जाता है तो ये काम करना बंद कर देगा, और ये जो रनिंग कैपेसिटर है ये लगातार उसको रन कराता रहेगा, मतलब उसको चलाता रहेगा। ये नहीं बंद होगा, ये सप्लाई देता रहेगा उसको और वो चलता रहेगा लगातार देता है। ये होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम और ये होता है रनिंग कैपेसिटर का काम। अब इसको क्यों लगाते हैं, इसको जानते हैं दोस्तों। इसको हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि कुछ मोटर जो होते हैं, जो कुछ कंप्रेसर होते हैं जिनकी पावर बड़ी होती है, जैसे 2 टन से ज़्यादा की जो एसियाँ होती हैं तो उसमें दोस्तों, या 2 टन की एसियों में भी डबल कैपेसिटर लगाया जाता है, मतलब स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है। और कुछ जो आटा वाली जो चक्की होती है दोस्तों, उसमें जो मोटर बड़ा प्रयोग किया जाता है उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों का यूज़ किया जाता है। मतलब उसका पावर ज़्यादा है तो उसको स्टार्ट होने के लिए भी सप्लाई चाहिए कैपेसिटर के जरिए से, ज़्यादा सप्लाई चाहिए, इसलिए उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाता है जिससे कि वो स्टार्ट होने में मदद करता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। और जैसे ही वो मशीन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कंप्रेसर या मोटर स्टार्ट हो जाता है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर अपना काम करना बंद कर देता है, और ये उसमें जो रनिंग कैपेसिटर दूसरा लगा रहेगा वो रनिंग कैपेसिटर उसको लगातार चलाता रहता है। तो ये दोस्तों, इसलिए इसको हम लोग कैपेसिटर, उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है, इसको आप अगर डायरेक्ट, मतलब किसी चीज़ में डायरेक्ट जोड़ करके अगर आप इसको सप्लाई दे देते हैं, और अगर ये दोस्तों लगातार देते रहते सप्लाई, तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर में दोस्तों ये जो आपको कैपेसिटर ये फट जाएगा। इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे के चलाते हैं, डायरेक्ट सप्लाई दे करके इसको लगातार के लिए रन नहीं कराते हैं, क्योंकि ये लगातार के लिए नहीं बना, इसकी बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए ये सप्लाई देता है, जिससे जैसे ही स्टार्ट हो जाता है मोटर और वो अपना रन करने लगता है तो फिर ये अपना काम करना बंद कर देता है। तो इसको दोस्तों अगर डायरेक्ट आप लगा देंगे, और डायरेक्ट जिस तरीके से हम लोग रनिंग कैपेसिटर को जोड़ देते हैं फ़ैन में, वैसे ही उस तरीके से अगर आप इसको लगा देंगे और इसको कट नहीं कराएंगे किसी क्लच के ज़रिए से या फिर किसी रिले के ज़रिए से, तो ये कैपेसिटर में सप्लाई लगातार जाती रहेगी और ये कैपेसिटर 1.5 या 1 मिनट में फट जाएगा। तो इसलिए ये जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तुरंत यहाँ सप्लाई हट जाती है, इसके एक सीरीज है जिससे कि ये कैपेसिटर अपना काम करना बंद कर देता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप जानना चाहते हैं कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर की पहचान कैसे की जाए कि कौन सा कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर है और कौन सा कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर है, तो इस वीडियो का लिंक मैं दोस्तों, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको इसी तरीके से मिल सके और आप उससे कुछ सीख सकें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।